हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद अंकिता। मैं अंकिता। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अपने वीडियोस में अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाती रहती हूँ और उसका जेन्युइन रिव्यू भी देती हूँ। आज जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग का मैंने जो वीडियोज़ उठाया है, ये फ्रेंड्स कोई अनबॉक्सिंग नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाया है डाइपर के लिए कि जितने भी डाइपर्स हैं, जितने मुझे मैक्सिमम हो सके हैं, जो मैंने जेन्युइनली यूज़ किया है, वो डाइपर्स का मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगी। और ये डाइपर देखिए कि मैंने जितने थे समय लाइन से लगाए हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला है मम्मी पोको पैंट्स। ये कैसा डाइपर है, ये ऑब्जर्व इसका अच्छा होता है। ये ऑनेस्टली 6 to 8 आवर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट टच है। अंदर से देखिए किस तरह का है। उसके बाद जो इसकी क्वालिटी है वो भी प्रीमियम क्वालिटी है, बढ़िया है। लेकिन अगर बेबी बहुत ज़्यादा मूव करता है, इधर उधर होता है, तो ये अपनी जगह खिल जाता है। दूसरा है ये पम टम का। इसका नाम तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स इसके ऑनलाइन रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने कहा इसे ट्राई करते हैं। तो ये पम टम का, इसमें देखिए फ्रंट बैक लिखा है, इसमें छोटे छोटे कार्टून बने हैं, बच्चे को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और रबड़ इसकी काफ़ी ठीक है, नीली भी है, ना टाइट है, मतलब अच्छी है। और इसका ऑब्जर्वेशन पीरियड भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये भी 5 to 6 आवर्स के लिए है। बाकी तीसरा है ये देखिए बमी पैंट्स का। ये थोड़ा मुझे लोकल क्वालिटी का लगा, काफ़ी अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन 1 to 3 आवर्स के लिए ओके है। और बाकी इसका ठीक है, पैंट भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है। मतलब बहुत ही लो बजट था ये, तो उस हिसाब से जैसा प्राइस है उस हिसाब से इसकी क्वालिटी वगैरह वैसे है, तो बहुत अच्छी भी नहीं है। इसको 5 में से 1 स्टार देंगे। इसके बाद है E9। ये तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, तो ये जो है प्रोडक्ट ये E9 का है। और देखिए इसमें फ्रंट है, बैक है, सब लगा हुआ है। इसमें छोटे छोटे स्टार्स हैं, कार्टून बने हुए हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्टून हर डाइपर में बने हुए हैं फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी कॉम्फी है और बढ़िया है। और इसका ऑब्जर्व पीरियड की बात करें तो 8 to 9 आवर है, पूरी नाइट के लिए बढ़िया है। अब ये है पैम्पर का। पैम्पर तो आप जानते हो कि मोस्ट वांटेड, मोस्ट अवेटेड, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है। देखिए इसमें मीडियम आगे पीछे सब लिखा है, मीडियम साइज का था ये, फ्रंट का बैक का। छोटा सा देखने में लग रहा है, लेकिन बच्चे को पहनाने के बाद एकदम परफेक्टली फिट होता है। पैम्पर्स के लिए ब्रांड पॉपुलर है, तो सच में वो लायक है, बेस्ट है। उसके बाद ये है हमारा, ये वॉफर का था। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही घटिया लगी, बहुत ही बेकार था ये। मतलब अगर इसकी क्वालिटी की बात करें, रबर सही है इसका, कोई टफ इश्यूज नहीं आ रहे थे, कोई हार्म नहीं हुआ था, कोई रैशेज नहीं हुआ था, लेकिन बार बार ये लीक हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर रहा था बेबी का सुस्पी। तो ये उसके बाद ये है लिटिल एंजल का। लिटिल एंजल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पैम्पर के बाद अगर मुझे ये अच्छा लगा तो सबसे अच्छा मुझे यही लगा। और इसका ऑब्जर्व पीरियड पूरा फुल नाइट है, 12 to 15 आवर्स ने ऑब्जर्व किया है। उसके बाद इसमें लाइन इंडिकेटर भी है, जिसमें पता चल जाता है कि आपके डायपर चेंज करने का टाइम हो चुका है, तो ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद ये है हगीज़ का। तो आप तो सभी जानते होंगे हगीज़, आप में से कितने लोगों ने यूज़ भी किया होगा। ठीक है, सोसो है, ना बहुत अच्छा मैं कहूँगी ना बहुत ख़राब कहूँगी। हाँ, बट जिस हिसाब से इसका प्राइस था, कितना पॉपुलर है, उस हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब यू मस्ट ट्राई, लेकिन इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये है सप्पल्स। तो सप्पल्स का भी लोकल ब्रांड था, लेकिन ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था, कोई रैशेस नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छा था। मैंने तो इसे काफ़ी, इसे 2 या 3 पैक्स कम्बो पैक कई बार इसके मंगवाए हैं, मुझे तो अच्छा लगा। अगर मैं सारे डायपर बजट फ्रेंडली बात करी, मैंने जितने फ्राइड डायपर लिए हैं सब बजट फ्रेंडली है। ये है हमारा लिटिल्स का। इसमें भी देखिए लाइन इंडिकेटर बना हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, जिसका ऐड आपने देखा होगा। लिटिल्स बहुत अच्छी कंपनी है बेबी प्रोडक्ट के लिए, और डायपर भी बहुत ही ऑसम है, एकदम बेस्ट क्वालिटी, नो चीप मटेरियल यूज्ड। इसके जो पैंट्स हैं वो भी सॉफ्ट टच हैं, कॉटन टच हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। और फ्रेंड्स, जितने डायपर्स मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, उस सब का मैंने आपको रिव्यूज़, जेन्युइन रिव्यू दे दिया है। और मुझे तो काफ़ी जो लगे डायपर्स अच्छे, वो मैं अगर लाइन वाइज देखूँ तो मुझे सबसे अच्छा पहला लगा लिटिल एंजल का। अरे, सबसे पहले लिटिल्स का, उसके बाद लिटिल एंजल का, उसके बाद ये मेरा सप्पल्स का था 3rd नंबर पे, फिर 4th नंबर पे मुझे पैम्पर्स लगा, फिर उसके बाद 5th नंबर पे 9 का था, फिर नेक्स्ट तो जहाँ था वो मम्मी पोको पैंट था, उसके बाद बम टम, और उसके बाद मम्मी बम्पी पैंट।
तो फ्रेंड्स, ये जितने भी ओवरऑल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, जितने मैंने आपको डायपर वगैरह दिखाए हैं, तो उसका मैंने आपको रैंकिंग बता दी है, कैसे थे प्रोडक्ट, क्या था, सब अच्छी अच्छी क्वालिटी भी थी उसमें, ख़राब क्वालिटी भी थी, लो बजट भी था और महंगा भी था उसमें। फ्रेंड्स जितने थे सब ही आपके बजट फ्रेंडली पैंट्स थे, और सबसे बढ़िया मुझे जो लगा वो लिटिल्स था, पैम्पर्स था और सप्पल्स था, और उसके बाद नाइन का था। बाकी भी सबसे बेकार ये बमी पैंट्स था, जिसके मैं आपको वीडियोस बता दिखा रही हूँ, और एक वर्फर का था, उसका भी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वो किया है, अपलोड किया है, आप चाहें तो उसे देख लें किस तरह मिला था। ये बमी पैंट का है, बहुत ही घटिया था, आप इसे बिल्कुल मत परचेस करिएगा। और बाकी मैं आपको अगर बता दूं तो सारे मैंने पैंट दिखा दिए हैं, आप अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने बजट के अनुसार और अपने बेबी के स्किन के अनुसार वो ले सकते हैं आप। मैं नो डाउट फ्रेंड्स, जो मैंने कहा है बहुत ही जेन्युइन है, बिल्कुल आप बिना सोचे समझे इसे परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।